अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जैसे अभी ब्यूटी हूँ, फेस वॉश किया है, मैं जल्दी से अपना बेड बना लेती हूँ। अच्छा, बड़े लोग कह रहे इतने दिन से ये बेड शीट बिछाई हुई, यार मैं हर जो है ना वो 10 दिन बाद बेड शीट चेंज करती हूँ। तो वो व्लॉग डेली बनते रहते, तो वो 10 दिन में अगर एक ही बेड शीट देख रहे हो तो क्या हो गया मुझे? देखो ना, बेड शीट पर फोकस क्यों कर रहे हो आप लोग? खैर, हम लोगों ने बेड शीट्स भी ऑर्डर की हुई हैं एक पेज से, तो वो भी आ जाएंगी, तो हम नई नई बेडशीट्स भी बिछाएंगे और बाकी इसको भी चेंज कर लेंगे। यार बारिश हो रही है ना, फिर मुझे वॉश करने में बड़ा मसला हो जाता है, फिर उनको सुखाओ ये वो, तो इसलिए मैंने कहा बारिश में गुजर जाए फिर ही बेडशीट चेंज करते। समझ रहे हो ना, मतलब समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना बेड बना लेते हैं, नाश्ता करते हैं और जो है ना वो नाश्ता खैर मैं आगे करती हूँ, पहले मैं अपना कहवा ले लेती हूँ। और मुझे जाना था बाहर, थोड़ा सा मेरा डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा काम था, तो जल्दी से मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अच्छा जी, तो हम लोग हो के आ गए बाहर से, बस ये बच्चे बाहर बैठे शोर कर रहे हैं क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग गए थे फॉरेन, बाहर चले गए थे क्योंकि थोड़ा काम था, मैंने कहवा पिया और उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। और अभी मैं आई हूँ, कुछ सामान भी लेके आए हैं, कज़न वहाँ पे रख देता है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे वैक्स चाहिए थी, पट्टियाँ चाहिए थी और टाइम देखें आप, ऑलमोस्ट 3:15 हो रहा, मैं थोड़ा टाइम लग ही गया। और बाकी दिखाती हूँ क्या। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने गई थी। बेसिकली मुझे थोड़ा सा कुछ काम था और उसके अलावा मुझे जो है ना वो चाहिए थी वैक्स। वैसे जो है वो मैं ब्लेसो की यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी वैक्स है ये, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किए। ये है वॉन्डर वैक्स की स्ट्रिप्स है साथ और वैक्स है। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें नज़र आ गई थी जो मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए थी, तो मैं ये भी जो है ना वो साथ ले ही, जो कि मुझे नहीं लानी चाहिए थी, नज़र भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चलो खैर, अब आ गई हैं तो आ गई हैं। तो उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत हेल्पफुल चीज़ शेयर करने लगी हूँ अभी। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताती हूँ, जो लोग घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, और कहीं पहुँचना चाहते हैं और उन लोगों को मेथड नहीं पता अर्निंग के कि किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो आगे मैं आप लोगों को एक चैनल बता रही हूँ, ठीक है। वो चैनल पर जाके आप उनकी वीडियोज़ देख लें, ठीक है, और उनसे बात कर लें, तो आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। तो आगे मैं उनका चैनल दिखा रही हूँ, आप लोग देख लें, बाकी फिर हम अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया सना यासर का चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी शेयर करती हैं, ब्लॉग्स भी शेयर करती हैं अपने चैनल पे, और अर्निंग के हवाले से बहुत कुछ गाइड करती हैं कि आप जो है वो घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और भी इनके चैनल पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ तक इन्होंने बताया हुआ है कि 100 रुपये से कैसे कारोबार शुरू कर सकते हैं, नो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के बारे में और रेमेडीज़ टिप्स, और ये खुद भी जो है वो अर्निंग कर रही हैं यहाँ से। तो आप लोग जाके इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इनके चैनल के से जाके जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इनका चैनल ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। वो ख्वातीन या वो हाउसवाइफ जो घर बैठ के कुछ कमाना चाहती हैं तो वो इनका चैनल देख सकते हैं। इनका चैनल दिखाने का आप लोगों का मतलब ये है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इनके चैनल को और उनको भी जो है ना वो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, तो ज़रूर जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको कैसे भूल सकते हैं हम, अभी इसकी यूट्यूब की जर्नी भी शेयर करनी है आप लोगों से। अब इसको मैंने लगवाना भी है, थोड़ा सा यहाँ से ना मेरा गंदा हो गया, वो स्नो स्प्रे की वीडियो बनाई, अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, साफ़ करके फिर मैं रखूँगी, ठीक है ना, मेरी प्यारी सी ट्रॉफी। और ये भी मैंने पूरा पड़ा, देखें आप रात को ना, चलें खैर, इसको मैंने अभी फिट करवाना है, अभी देखते हैं नाश्ते का। और नेल पॉलिश सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, ये आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, 569 नंबर है और ये है स्वीट फेस की, ठीक है, किसी भी लोकल मार्केट से आपको 100 या 120 की मिल जाएगी। ये है अभी जो मैंने वाइट लगाई हुई है, वो दूसरी वाली है, वो ख़राब वाली है, वो ऊपर रखी हुई है, ये वाली है, ये वाली बड़ी ज़बरदस्त है, कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेनी हो तो ले लेना, ठीक है। अच्छा, इतना कोई अरसा हो गया मैंने ये वाले नूडल्स ना बनाए ना मैंने खाए, तो आज मैं गई ना, फिर मुझे मार्ट से वो लेना था, जूस लेना था और मुझे फ़्राइज़ लेने थे ना, वसीम बड़े शौक से फ़्राइज़ खाता है, तो फिर मैं जूस भी ले आई, फ़्राइज़ भी ले आई, वसीम कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं, तो फिर जो है ना मुझे ये नज़र आ गए, मैं ये ले आई। तो नाश्ता देखिए हमारे नूडल्स के साथ हो रहा है, आप चेक करें, तो भी मैं ये बनाती हूँ खाती हूँ, क्योंकि वैसे भी दोपहर का टाइम है, भूख तो लगी रही है, तो नूडल्स ही बना के खा लेते हैं। बाकी कभी कहवा चल रहा है, कभी नूडल्स चल रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहे हैं चीज़ें, पता नहीं क्यों आज इस तरीके से पड़ी रखी हुई हैं।
हम भी थोड़ा सा जूस ले लेते हैं, खैर है कभी कभी चलता है। आज घर में देखें कोई भी नहीं है, अम्मी अब्बू के रूम में भी कोई नहीं है, अम्मी अब्बू जो है वो गए हुए हैं और यहाँ भी कोई नहीं है, वसीम ऑफिस गए हुए और मैं अकेली घर में घूम फिर रही हूँ और अम्मी लोग आएंगे रात तक। तो इस वजह से आज रात को मैं सोच रही हूँ कि आलू की भुजिया बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो खाना नहीं बना रही मैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं नूडल्स और जूस वगैरह ही पी लूँगी, पानी हमारा बॉयल हो गया तो रात में बनाते हैं। ये देखिए पानी अभी भी है, सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है और अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हो के हटी है। और आपके मौसम चेक करें, ये देखिए, तो हम वापस नीचे चलते हैं। माशाल्लाह मेरी शलवार चेक करें आप, पर इतनी ज़्यादा हब्स हो रही है कि बिल्कुल हवा बंद है। और जो कल बारिश हुई है ना, उस बारिश ने तो अच्छी खासी वाली तबाही मचाई है, मतलब इतनी तेज़ हवा थी कल कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी इतनी ज़्यादा हब्स, ऐसे लग रहा है दम घुट रहा है। तो मैं पंखा चलाती हूँ, बैठती हूँ जब तक मैं नूडल्स रेडी होते हैं, मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है आप लोगों के लिए यूट्यूब जर्नी की, तो इसके लिए भी तैयार होते हैं, फिर करते हैं शूट, पहले कुछ खा पी ले यार। अच्छा माशाल्लाह से नूडल्स मेरे बन गए, मैं ना अंदर बैठी मूवी देख रही थी और याद ही नहीं रहा नूडल्स पाए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और लगाती हूँ और मसाला भी नहीं डाला, मैंने कहा थोड़े बॉयल हो जाए फिर डालेंगे मसाला, तो मैं भूल ही गई। दिमाग चेक करें आप मेरा। अच्छा मुझे ना ये थोड़े से फीके लगते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना टिक्का मसाला ऐड कर लेती हूँ, हमेशा मुझे ये फीके ही लगते हैं। चलो बस बहुत है, चलें जी चले जी, हमारे मज़ेदार से नूडल्स आ गए हैं, अभी इनको थोड़ा और मज़ेदार बनाते हैं। डाइट रेस्ट इन पीस, ठीक है। अगर मैं रेड वाले कनौर खाती हूँ ना, तो उस पर मैं रेड वाला लेज लगाती हूँ, ये भी इस पर हम थोड़ा सा हर्ब वाले में ये लगाएंगे, इतने मज़ेदार लगते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से खाते हो तो कमेंट कर देना, नहीं खाते तो खा के देखना, शायद आप लोगों को भी टेस्ट अच्छा लग जाए। ठीक है, तो मैं खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के लिए मूवी देखो, नूडल्स खाओ, इंजॉय करो, बाय बाय। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको मेरी स्किन पे अजीब सा नज़र आ रहा होगा ना, ये जब भी मैं कड़ा या कुछ इस तरीके से अपने राइट हैंड में पहनती हूँ ना, तो ये देखिए पता नहीं मुझे इस तरीके से एलर्जी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, अजीब ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, मुझसे पहनना ही नहीं जाता अपने राइट हैंड में कुछ ना। ये देखिए अभी भी वैक्स नहीं की हुई तो बाल इतने अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। आप थोड़ा सा ऐसे करके देखें तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़ारिश होने लग जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखिए अभी आपको सही से नज़र आ रहा होगा, फोकस हो जा भाई, ये देखिए इस तरीके से अजीब सा होने लग जाता है मेरे हाथ पे। अच्छा जी, तो घर वाले अभी तक नहीं आए हैं, टाइम यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, अभी तक वसीम भी नहीं आया और कोई आया भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाने का क्या करें, मम्मी को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ। बाकी अगर आप लोग मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स इंस्टाग्राम पे आते हैं अक्सर और मैसेजेस भी वहीं पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी पर रखी हुई है मैंने अपनी, कुछ मेरी इनबॉक्सेस में है, ठीक है, कुछ इसमें ज्वेलरी है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है ज्वेलरी और मुझे लगता है मेरे पास ज्वेलरी बहुत कम है, कुछ इसमें है और बाकी इनबॉक्सेस में है। तो सबसे जो मोस्ट फेवरेट मेरा नेकलेस है ना, वो ये वाला है, ये वाला जिसमें मैंने बहुत कुछ घुसेड़ दिए, ये वाला मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। मैंने सोचा हुआ आगे किसी की शादी आएगी ना, प्लेन कोई सू मैक्सी सलवार की उसके ऊपर ये पहनूंगी तो बहुत प्यारा लगने वाला है, ये कितना ज़्यादा शाइन करता है ये। अच्छा ये वाला है, ये वाला तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब ना ये सारा इसमें उलझ गया है, ये कुछ ज्वेलरी है जो मैंने नारान से ली थी, ये वाला, ये देखिए इतना शाइन करता है और इतना प्यारा लगता है ना। अब मैं इसको सेट करती हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो कमेंट्स कर देना, वरना आप लोग, मैं कुछ भी ऐसी वीडियो डालती हूँ आप लोग देखते नहीं हो, आप लोगों को बस डेली रूटीन के व्लॉग्स देखने होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट आ जाते हैं ज्वेलरी कलेक्शन के, तो हम दिखाएंगे, वरना हम लोग नहीं दिखाएंगे। अच्छा सालन अम्मी ने बना दिया था और फ्रीजर में रखा हुआ है, ठीक है, ये और भी सालन पड़ा हुआ है, तो अम्मी कह रही है तुम और वसीम ही हो तो खा लेना। और यहाँ पे बबली रखी हुई है, वेरी गुड, और वो भी आधी खाई हुई है। तो यहाँ आलू बुखारा भी रखा हुआ है, ये मैं बबली मिली। बंदा कैसे डाइट करे यार, कैसे।
खाना बना हुआ है, सारा दिन हमने ऐसे ही व्लॉग किया, सुबह 12 बजे से लेके 7:30 तक हमारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तो आप लोगों को डेली रूटीन देखना पसंद है ना, ऐसी वीडियोस देखना तो पसंद ही नहीं है, तो इसलिए हमने आज कोई वीडियो ही नहीं बनाई कि चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। तो आज के व्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं। वैसे मैं बड़ी डाइट से बाहर निकल आई हूँ, फिर से हम अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। खा रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते से खाई जा रही हूँ, जब तक बर्थडे नहीं आती जो दिल करता खाओ, फिर बर्थडे के बाद प्रॉपर डाइट शुरू कर देंगे। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बड़ा रैंडम सा व्लॉग था, चिट चैट व्लॉग। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करो, मूवी देखो। मैं भी अभी कोई मूवी देखती हूँ, वैसे फ्री बैठी हूँ।